हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, उसके एमसीक्यूज। ये रिवीजन सीरीज का सेकंड पार्ट है 10th क्लास का, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उसे देखें, चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप एमसीक्यूज जो है उसके आंसर जो है वो इजीली कर पाएंगे। इस चैप्टर का लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू वी गेट विद द मींस ऑफ कम्युनिकेशन, हमें संचार के साधनों से क्या क्या मिलता है। तो आपका जो है वो ऑप्शन है एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमें संचार के साधनों से एंटरटेनमेंट भी होता है हमारा, है ना, मनोरंजन भी होता है, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाय व्हाट नेम डिड द ग्रीक्स नो पंजाब, जो ग्रीक्स हैं वो पंजाब को किस नाम से जानते थे। सप्त सिंधु, पेंटापोटामिया, पंचंद या सिंध। तो करेक्ट आंसर है पेंटापोटामिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which is the oldest university in the world associated with Punjab, जुड़ा विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why संदीप has not enlisted his name for the athletics, जो संदीप है उसने अपना नाम एथलेटिक्स के लिए क्यों नहीं दिया था। तो ऑप्शन है आपके नॉट इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स, उसको एथलेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, नो मनी टू परचेस कॉस्टली प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे, टीचर्स डिडंट अलाउ, टीचर ने जो है वो अलाउ नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर है नो मनी टू परचेस कॉस्टली प्रोडक्ट, उसके पास जो है वो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स स्टिल एग्जिस्ट इन सोसाइटी, क्या आज भी समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव जो है वो होता है। तो ऑप्शन है आपके यस, नो, कांट से, मे बी। तो करेक्ट आंसर है यस, समाज में आज भी जो है वो लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच टाइप ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग, हम किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मतलब जहाँ पर जो है वो पुरुष प्रधान होते हैं। फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि जहाँ पर महिलाएं प्रधान होती हैं। बोथ आर इक्वली डोमिनेटिंग, दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हक रखती हैं। नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी कि पेट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, इस वर्ड ये जो सेंटेंस है इसको आपने कंप्लीट करना है। तो आपके ऑप्शंस है रिसोर्सेस, मनी, टाइम या एनर्जी। तो करेक्ट आंसर है टाइम, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर हम टाइम को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो वो ही जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज रिटन द पोयम टाइम मैनेजमेंट, आपकी बुक में एक पोयम दी गई है टाइम मैनेजमेंट, उसको किसने लिखा है। सुधा जैन सुदीप, तुलसीदास, विलियम ब्राड या मोहिनी राय। तो करेक्ट आंसर इज सुधा जैन सुदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द डैश, हाथ जो पालना जो है वो हिलाते हैं वो राज करते हैं किस पर, इंडिया पर, वर्ल्ड पर, पॉलिटिक्स पर यानी कि राजनीति पर या स्कूल पर। तो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट टू, टाइम मैनेजमेंट जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए या किसी के लिए भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है एवरीवन, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ वे टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन इज टू, एक तरीका डिस्ट्रक्शन से दूर रखने का, ठीक है, ध्यान भंग होने से बचाने का, कौन सा है। स्टार्ट विद द अनप्लीजेंट टास्क फर्स्ट, कि सबसे पहले जो काम ना पसंद हो उसे करें,
कीप द टीवी ऑन, अपना टीवी जो है वो चलाकर रखें, कीप योर फोन्स क्लोज टू यू, अपना फोन अपने पास रखें, ड्रिंक एंड ईट वाइल डूइंग योर वर्क, जब आप काम कर रहे हैं तो आप खाएं पिए बीच में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है स्टार्ट विद द अनप्लीजेंट टास्क, पर जो काम आपको पसंद नहीं है पहले उस काम को करें, इससे क्या होगा आपका जो कंसंट्रेशन है उस काम को करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग जाएगा, ठीक है, और आपका डिस्ट्रेक्शन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर इज ए एंड, जेंडर जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी यानी कि जैविक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है यानी कि मनोवैज्ञानिक निर्माण है, या इनेट क्वालिटी है यानी कि जन्मजात गुण है, या सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, यानी कि सामाजिक निर्माण है, समाज द्वारा बनाया गया है। तो फटाफट आंसर कीजिए कि जेंडर जो है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर है सोशल कंस्ट्रक्ट, ये जेंडर जो है वो समाज में लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये लड़का है ये लड़की है, ये काम जो है वो ये कर सकते हैं, ये काम जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अवॉइड जेंडर बेसिस ऑन द क्लास द टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ, क्लास में जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो टीचर को किस चीज के लिए जागरूक रहना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड जो स्टूडेंट का होगा उसके प्रति, डिस्क्रिमिनेटिव मतलब भेदभावपूर्ण रवैया जो है विद्यार्थी का उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। स्टीरियोटाइप एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूढ़िबद्ध धारणा के प्रति, बोथ वन एंड टू, या फिर कोई भी नहीं है ऊपर से। तो आपका करेक्ट आंसर है बोथ वन एंड टू, टीचर को दोनों ही जो है बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव, ठीक है, यानी कि लैंगिक भेदभाव, डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, वो जो है ये इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया जो होगा वो जो छात्र है उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं डालेगा। मे लीड टू डिस्ट्रॉय द एफर्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये उनके परफॉर्मेंस पे असर डालेगा, उसे बर्बाद कर देगा। मे लीड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, अगर भेदभावपूर्ण रवैया होगा क्लास में, ठीक है, तो जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट की वो बढ़ जाएगी, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है मे लीड टू डिस्ट्रॉय द एफर्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उनकी कोशिशों को बर्बाद कर देगा, उनके परफॉर्मेंस में कमी ला देगा, ठीक है। इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है उसे आपने चूज करना है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स ऑलवेज डूइंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम एक टाइम पर एक से ज्यादा काम करें। सेकेंड पॉइंट है इसका, गुड टाइम मैनेजमेंट मीन्स नेवर टेकिंग अ ब्रेक, अच्छा टाइम मैनेजमेंट उसको कहा जाएगा जब हम कभी कोई भी ब्रेक जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग टू गेट टास्क डन एंड डूइंग देम, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हम प्लान करें कि कौन सा काम करना है और उसे कर देना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वन वे टू मैनेज योर टाइम वेल इज टू इग्नोर डेडलाइन, तो एक तरीका जो है टाइम को मैनेज करना है वो ये है कि आप जो डेडलाइंस है उनको इग्नोर कर दो एंड फोकस ऑन डूइंग मोस्ट फन एक्टिविटी, और सिर्फ फन एक्टिविटी करने पर ध्यान दो। तो आपका करेक्ट आंसर है कि टाइम मैनेजमेंट जो है इज अबाउट प्लानिंग टू गेट टास्क डन एंड डूइंग देम, टाइम मैनेजमेंट जो है वो चीजों को प्लान करना, जो भी काम आपने करना है उसको प्लानिंग करना, ठीक है, और उसके बाद जो है उसे पूरा करना। तो आई होप ये आपको एमसीक्यू जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है, आपको ये एग्जाम्स में हेल्प करेगा। इनकेस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।